नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। झाबुआ जिले में अवैध जुए सट्टे का कारोबार जमकर चल रहा है, जिस कारण अब जिले के आदिवासी किसान परिवार की युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर है। ये सट्टा लिखने वाले खाईवाल चाय के ठेलों की दुकान के बाहर लोगों से पैसा लेकर मोबाइल पर अपने अकाउंट को पैसा लिखवाते हैं। ये सारा अवैध काम झाबुआ मुख्यालय से लेकर थांदला, पेटलावाद, मेघनगर सहित आसपास के गांवों में चल रहा है। तो वहीं ऐसा ही एक वीडियो मीडिया को हाथ लगा, जिसमें सट्टा लिखने वाला दलाल लोगों से पैसे लेकर अपने बड़े आका को फ़ोन पर पैसे उतार रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिससे दलाल पैसा ले रहा है और बोल रहा है 150। जिले भर में अवैध सट्टेबाजी का कारोबार खूब फल फूल रहा है और पुलिस इस सारे कारोबार पर अपना मौन साधे बैठी है। गली गली में सारा सट्टे का व्यापार फल फूल रहा है और ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। फिर भी पुलिस इस मामले में सट्टोरियों के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन लेने को तैयार नहीं और टालमटोल जवाब दे रही है। तो वहीं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया भी जिले भर में चल रही सट्टेबाजी के अवैध कारोबार और एक्सपायरी डेट के अवैध शराब पर आक्रोशित दिखाई दिए। जाकिर हुसैन की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप केवल प्रश्न रखते हैं, ऐसी कोई चीजें होती है तो आप बताइए, हमारे संज्ञान में लाइए, जिसमें यदि हम किसी पुलिस वाले के द्वारा इस तरह की कार्रवाई ना की जाती हो तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि मीडिया के द्वारा केवल इस बात को कहा जाता है, लेकिन जब हम जानकारी की बात करते हैं तो हमको आज तक के किसी मीडिया द्वारा जो है जो क्वेश्चन दागने का काम करती है वो कुछ नहीं बताती है। पुलिस विभाग से कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, पुलिस को भी अवगत कराइए, बिल्कुल जनता को अवगत कराने के लिए तो हम लोग बोल ही रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक चीज प्रशासन को स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन की जो भी माफिया उनके साथ मिलीभगत चल रही है, चाहे सट्टे का मामला हो चाहे शराब का मामला हो, सट्टे में जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उनको तो छोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है, पुलिस उनको छोड़ने का काम कर रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छोटे छोटों को पर कार्रवाई करते ये दिखाने का ढोंग करा जा रहा है कि कार्रवाई करी जा रही है। और ऐसा ही मामला शराब के उसमें भी आया, एक्सपायरी डेट की शराब पूरे जिले में बट रही है, आदिवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, उनको नशे की लत में धकेला जा रहा है और सट्टे की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे के परिवार पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम जमीन पर उतरें, बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि इस तरह से अगर झाबुआ के जनता के साथ खिलवाड़ होगा वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।